वेलकम दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है टूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहर जतिन विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे इन्फोग्राफिक चार्ट इन एक्सेल, किस तरह से आप इन्फोग्राफिक चार्ट बना सकते हैं एक्सेल पे। जैसे स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं एक डेमोग्राफी चार्ट, और आप वहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर आप मेल परसेंटेज को चेंज करते हैं तो मेल का जो बार है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, इस तरह से फीमेल का भी जो परसेंटेज है वो भी फ्लक्चुएट हो रहा है। इस तरह से डेमोग्राफी चार्ट आप बना सकते हैं, या तो किसी कंपेरिजन हैंडसेट के ऊपर आप बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो पे पूरा डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको इन्फोग्राफिक चार्ट बनाना है और कितनी आसानी से आप ये बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, किस तरह से आप बना सकते हैं इन्फोग्राफिक चार्ट इन एक्सेल। इन्फोग्राफिक चार्ट बनाने के लिए जो सैंपल डाटा हमने यहाँ पे यूज किए हैं, दो हैंडसेट का कंपैरिजन वैल्यू है। सो दोस्तों ये जो सैंपल डाटा है वो मैंने अपने मन से इसको डिजाइन किया है, वो किसी रिलेट नहीं है ओरिजिनल डाटा के साथ। यहाँ पे जैसे दो हैंडसेट रेडमी नोट 6 और रेडमी नोट 5, ये दो हैंडसेट को यूजर्स के ऊपर रेटिंग दिया जाएगा। मतलब दो हैंडसेट, यहाँ पे एक रेडमी नोट 6 है और दूसरा है रेडमी नोट 5, ये दोनों हैंडसेट को 10,000 यूजर्स के ऊपर उसका इंटरेस्ट पूछा गया है, कौन सा यूजर रेडमी नोट 6 को प्रेफर करता है, कौन सा यूजर रेडमी नोट 5 को प्रेफर करते हैं। तो ये मान के चलते हैं 10,000 यूजर्स का जो फीडबैक है वो Redmi Note 6 में इतना परसेंट है, Redmi Note 5 पे इतना परसेंट है। अगर Redmi Note 6 पे परसेंटेज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली Redmi Note 5 पे परसेंटेज घट जाएगा, अगर Redmi Note 6 में परसेंटेज घटता है तो Redmi Note 5 परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हो रहा है वो किस तरह से आपको करना है, जैसे यहाँ पे पहले कोई भी परसेंटेज एक टाइप कर लीजिए और उसके बाद में दूसरे सेल पे आपको क्या करना है, इक्वल्स टू 1 लिखना है। 1 मतलब इंडिकेट होता है 100, then minus, then जो परसेंटेज आपने अभी डाले हैं वो सेल रेफरेंस आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, 100 में से वो परसेंटेज माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो अप हो जाएगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है उसके ऊपर बेस करके एक इन्फो चार्ट आपको यहाँ पे तैयार करना है। तो इन्फो चार्ट तैयार करने के लिए दोस्तों पहले तो आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे हैंडसेट का नेम चाहिए और उसका परसेंटेज चाहिए, और ये जो डाटा है वो वेरी होगा कहाँ पे, 10,000 यूजर्स और उसका परसेंटेज। मतलब अगर 10,000 यूजर्स Redmi Note 6 को प्रेफर करते हैं तो 100% यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 10,000 यूजर्स इक्वल्स टू 100%। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और 10,000 यूजर्स और 100 को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको चार सेल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कहाँ पे, इंसर्ट पे, और क्लिक करना है बार चार्ट पे। जब आप बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा वेरिएंट है, तो आपको लेना है 2D बार, और 2D बार पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली एक बार चार्ट यहाँ पे निकल के आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, पहला जो वर्क है इसी भी बार पे राइट क्लिक करके आपको सिलेक्ट डाटा पे जाना है। जब आप सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे सीरीज 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और राइट हैंड साइड पे Redmi Note 6 और 10,000 यूजर्स आ रहा है। तो पहले तो आपको स्विच कर देना है, तो जब भी आप स्विच करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका सीरीज है वो चेंज हो चुका है, और अभी आपको करना है सिंपली ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी क्या करना है, जैसे ये जो रेड मार्किंग है वो दिखा रहा है आपका 10,000 यूजर्स का वैल्यू और ये दिखा रहा है आपका Redmi Note 6 का वैल्यू। अभी क्या करना है, ये दोनों को आपको कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन मतलब ओवरलैपिंग करना है। ओवरलैपिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है किसी भी बार पे। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्मेट डाटा सीरीज यहाँ पे निकल के आ जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरलैप्ड। तो ओवरलैप्ड पे आपको क्या करना है, इसको 100% पे लैपिंग कर देना है। जब ये ओवरलैप्ड हो जाएगा और इसके बाद में गैप वाइड जो है उसको आप 0 पे रख दीजिए तो ये पूरा भर जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको करना है क्लोज पे क्लिक। अभी यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे एक्स एक्सिस का वैल्यू दिखा रहा है वो 120% तक जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको 100% तक रखना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक्स एक्सिस पे करना है क्लिक और उसके बाद डबल क्लिक कर देना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्सिस ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आपका मिनिमम जो वैल्यू है उसको आपको फिक्स पे क्लिक करके उसको 0 पे रखना है और मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको 100 मतलब 1 पे रखना है, और उसके बाद में सिंपली आपको करना है क्लोज। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो 120% था वो अभी 100% पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 यूजर्स का जो बार है वही दिखा रहा है लेकिन Redmi Note 6 का बार जो है वो यहाँ पे शो अप नहीं हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगेन राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट डाटा पे करना है क्लिक। डाटा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे जो Redmi Note 6 है उसको आपको मूव डाउन करना है और 10,000 यूजर्स को ऊपर पे लाना है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं जो
रेडमी नोट 6 भी विजिबल है और 10,000 यूजर्स का बार भी विजिबल है। अभी आप करना है सिंपली ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेडमी नोट 6 भी यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे 10,000 यूजर्स भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे ये लेजेंड नहीं चाहिए और मान लीजिए ये एक्स एक्सिस का जो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है वो भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और सीरीज नेम जो है उसको भी डिलीट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो दोस्तों इस तरह से आपको बार चार्ट तैयार कर लेना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो बार चार्ट है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे 45% करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका Redmi Note 6 का जो बार है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डिक्रीज करते हैं 15% तक तो वो बार भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है बार चार्ट वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो मैं वापस यहाँ पे हायर वैल्यू दे देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मोबाइल हैंडसेट आपको यहाँ पे जोड़ना है और साथ ही साथ ये जो चार्ट है उसको थोड़ा सा यूनिक बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपना मनपसंद कलर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और शेप्स में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं पहले। सो शेप को ड्रॉ करने के बाद आप उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे नो आउटलाइन चाहिए और शेप फील जो है उसको थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे चलते हैं और यहाँ पे जैसे ग्रेडियंट फील पे आते हैं और यहाँ पे दो कलर यहाँ पे ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं। या तो आप प्रीसेट कलर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रीसेट कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या तो आप सिंपल सॉलिड कलर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस तरह का एक प्रीसेट कलर हमने यहाँ पे डाल दिया। ये जो शेप है दोस्तों, इस शेप को यहाँ पे यूज करना है रेडमी नोट 6 इंडिकेटर के ऊपर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल सी इस बार पे आपको क्लिक करना है रेडमी नोट 6 का और यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी। जब आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे वो कलर यहाँ पे आ चुका है। अभी ये जो शेप है वो भी प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12% तो वर्क हो रहा है और मान लीजिए 56% तो ये भी वर्क हो रहा है। अभी क्या करना है, जैसे ये जो 10,000 यूजर्स का बार है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए इसका और एक कॉपी में यहाँ पे बना लेता हूँ और इसका जो कलर है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसको ब्लू पे रखते हैं, सॉलिड ब्लू। अभी क्या करना, फिर से वापस उसको कंट्रोल सी कॉपी और 10,000 यूजर के बार पे आपको करना है उसको पेस्ट। जब आप पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों बार का जो शेप है वो चेंज हो चुका है और वो वर्क भी कर रहा है अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगर आप शेप को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इजीली। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया यहाँ पे चार्ट। अभी इसका जो वैल्यू है उसको भी आप यहाँ पे शो अप करा सकते हैं। तो शो अप किस तरह से करेंगे, राइट क्लिक और एड डाटा लेवल्स। जब आप एड डाटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। अभी इसको क्या करना है, आपको क्लिक करके ड्रैग करके आपको यहाँ पे लेके आ जाना है बार के ऊपर और इसका जो फॉर्मेटिंग है उसको आप होम टैब पे क्लिक करके उसका फॉन्ट वगैरह साइज वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों खेल है इन्फोग्राफिक्स मतलब सिंबल का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल और फीमेल का सिंबल यहाँ पे है। अब यहाँ पे बारी है हैंडसेट सिंबल यहाँ पे लाने का और वो हैंडसेट सिंबल भी इंक्रीज और डिक्रीज होता जाए वैल्यू के ऊपर। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है वर्ड पे, एमएस वर्ड पे। अगर आपके पास मोबाइल का पिक्चर है पीएनजी फॉर्मेट पे तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिलहाल वर्ड पे जा सकते हैं। वर्ड पे जाने के बाद दोस्तों इंसर्ट पे आना है, उसके बाद में सिंबल पे आना है और मोर सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चूज कर लेना है जो सिंबल आपको चाहिए। तो मान लीजिए मुझे मोबाइल का सिंबल चाहिए तो यहाँ से कोई भी एक मोबाइल का सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ए वाला सिंबल जो है वो चाहिए तो उसको करना है आपको इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे। जब आप डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे सिंबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। अभी क्या करना है, सिंबल को सिलेक्ट करते हुए उसको इंक्रीज कर देना है। जब आप इंक्रीज कर देंगे तो वो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप स्निपिंग टूल का आपको यूज करना है। स्निपिंग टूल अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है शॉर्टकट में तो आपको जाना है ऑल प्रोग्राम्स और उसके बाद में आना है एक्सेसरीज और एक्सेसरीज में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो सिंबल है उसको ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों कॉपी पे करना है क्लिक और फिर से वापस आना है आपको एक्सेल में और सिंपली कर देना है पेस्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका सिंबल है वो यहाँ पे कॉपी होके यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, इसका जो फिल कलर है व्हाइट उसको आपको हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए दोस्तों पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर टूल्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कलर्स पे। जब आप कलर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एकदम नीचे पे आपको यहाँ पे मिलेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर और सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करना है और सिंपली आपको व्हाइट
कलर पे कर देना है क्लिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो व्हाइट कलर था वो यहाँ से हट चुका है। इसके बाद में दोस्तों इस सिंबल को आपको क्या करना है, छोटा कर देना है और अपने बार चार्ट के हिसाब से उस सिंबल को यहाँ पे प्लेस कर देना है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे मेजरमेंट आप देख सकते हैं और इसका जो कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो सिंबल है इसको बाहर पे रखना है अभी फिलहाल के लिए। आप दोस्तों इस सिंबल को अपने बार चार्ट में यूज करने के लिए आपको यहाँ पे और दो सेल यहाँ पे इंक्रीज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नोट 6 आपको यहाँ पे लिखना है, नोट 6 कोई भी आप नेम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है जो नोट 6 ही देना है। और यहाँ पे आपको वैल्यू वही डाल देना है जो एक्चुअल रेडमी नोट 6 में है। तो यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। अभी क्या करना है, आपको करना है राइट क्लिक बार चार्ट पे और उसके बाद में आना है सिलेक्ट डाटा पे। सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐड पे करना है क्लिक। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको पहले पूछ रहा है सीरीज नेम और सीरीज वैल्यू। तो आपको यहाँ पे देना है सीरीज नेम पे नोट 6 और सीरीज वैल्यू जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना है अभी जो आपने वैल्यू इंसर्ट किए हैं सेल पे वो वैल्यू। उसके बाद में सिंपली ओके पे करना है क्लिक। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे और एक फील्ड यहाँ पे अप्लाई हो चुका है नोट 6 करके। अभी ये जो नोट 6 है इस नोट 6 को आपको क्या करना है, सीरीज चेंज कर देना है, मतलब उसको बार चार्ट पे नहीं रखना है। ये जो यहाँ पे एडिशन हो चुका है एक नया बार का, इस बार को आपको चेंज कर देना है दूसरे चार्ट टाइप पे। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज करना है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। जब आप चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक चार्ट टाइप का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको लेना है एक्स वाई स्कैटर और एक्स वाई स्कैटर पे क्लिक करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, क्योंकि पहला वाला जो स्कैटर है वही हमको यूज करना है यहाँ पे। तो ओके पे करते हैं क्लिक। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे स्कैटर यहाँ पे आ चुका है, स्कैटर चार्ट जो 0 to 50% दिखा रहा है। ओके, अभी क्या करना है, फिर से वापस आपको क्या करना है, वही बार चार्ट पे राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट डाटा पे करना है क्लिक। जब आप सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो वही आपके पास चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, नोट 6 को पकड़ना है और एडिट पे क्लिक करना है। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सीरीज नेम तो यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन सीरीज एक्स वैल्यू जो है वो यहाँ से हट चुका है। एक्स एक्सिस में आपका कौन सा रहेगा, एक्स एक्सिस में रहेगा आपका जो 45% है वो रहेगा एक्स एक्सिस में, लेकिन वो शिफ्ट होके कहाँ पे चला गया है, वाई वैल्यूज में। तो उसको आपको क्या करना है, काट कर देना है और वाई वैल्यूज मतलब यहाँ पे जो वाई वैल्यूज है इस वैल्यूज पे आपको मिड पॉइंट पे हिट करना है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, जैसे कि 0.5, तो आपको यहाँ पे देना है 0.5 और अभी अभी जो हमने काट किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। और उसके बाद में दोस्तों आपको करना है ओके पे क्लिक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लास्ट पे जो एरो था वो अब मिड पॉइंट पे यहाँ पे दिखा रहा है रेडमी नोट 6 का मिड पॉइंट पे, और यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है उसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो सिंबल यहाँ पे आ चुका है इस सिंबल को इस फोन के साथ रिप्लेस कर देना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस सिंबल को अभी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद स्केटर का यहाँ पे ये सिंबल जो है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल भी पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फोन का सिंबल जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फोन का सिंबल जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो इसको अंदर की तरफ लाने के लिए दोस्तों क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें से थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, जैसे 0.08 एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो सिंबल है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ चुका है और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे अगर आप लाना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट करके आप घटाते जाइए और देखते जाइए कौन सा पॉइंट पे आपका सिंबल जो है वो एक्यूरेट दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि ये जो चार्ट एरिया का जो आउटलाइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस आउटलाइन के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है और शेप आउटलाइन जो है उसको नो आउटलाइन कर देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो चार्ट है वो चार्ट यहाँ पे एकदम तैयार होके आ चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो साथ ही साथ मोबाइल सिंबल जो है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा वैल्यू के साथ। जैसे कि 78% आप यहाँ पे देखेंगे 78% भी दिखा रहा है और मोबाइल सिंबल जो है वो भी साथ ही साथ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे दिखाते हैं 25% तो 25% तक भी आएगा और यहाँ पे दिखा रहा है सिंबल और वैल्यू के साथ। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप मिस हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को भी आपको सेट करना है, डबल क्लिक करना है इस वैल्यू पे, डाटा वैल्यू पे, और आपको यहाँ पे डाटा लेवल से आपको चूज करना है इनसाइट बेस। जब आप इनसाइट बेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वैल्यू है डाटा का वो हमेशा अंदर की तरफ ही रहेगा। उसके बाद में क्लोज कर देते हैं और फिर से वापस चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू के साथ साथ आपका सिंबल भी इंक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होता जाएगा।
अब दोस्तों इस तरह से आपको Redmi Note 5 का भी बार चार्ट यहाँ पे बना लेना है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, अभी एक मिनट में ही हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे Note 5 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे Note 5 का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे ले आता हूँ। तो इक्वल्स टू डालना है और Redmi Note 5 का वैल्यू जो है वो सेल को पकड़ना है और सिंपली एंटर प्रेस कर देना, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पूरा बार चार्ट जो है इसको सिलेक्ट करना है और उसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। जब आप कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे और एक बार चार्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, जब दूसरा बार चार्ट यहाँ पे सिलेक्शन है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा वैल्यू जो है वो कौन सा सेल में से लिया हुआ है इस बार चार्ट को बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो सेल सिलेक्टर है उसको क्लिक करके आपको Redmi Note 5 पे लाना है और वैल्यू में भी जो सिलेक्टर है उसको भी आपको ड्रैग करते हुए Redmi Note 5 की वैल्यू के ऊपर रख देना है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अभी आपको क्या करना है, ये जो मोबाइल सिंबल है इस मोबाइल सिंबल के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है बार चार्ट पे और सिलेक्ट डाटा पे आपको करना है क्लिक। जब आप सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नोट 6 को यहाँ पे दिखा रहा है, तो नोट 6 को आपको क्या करना है, सिंपली एडिट करना है। जब आप एडिट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो सीरीज नेम दिखा रहा है नोट 6, तो अभी इसको क्या करना है, नोट 5 पे आपको करना है क्लिक। तो नोट 5 यहाँ पे आ जाएगा और सीरीज एक्स वैल्यूज जो है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नोट 5 का वैल्यू, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या करना है, एक्स वैल्यू जो है उसको कम्प्लीटली डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको नोट 5 का वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जब आप नोट 5 का वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नोट 5 का जो सीरीज है वो यहाँ पे आ जाएगा और ओके पे करना है आपको क्लिक। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सिंबल भी यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिकली, लेकिन इस सिंबल को भी थोड़ा सा अंदर की तरफ लाने के लिए आपको यहाँ पे करना है, तो माइनस करेंगे 0.05, इस तरह से आप उसको माइनस करते हुए आप उसको बैलेंस करेंगे और ये दोनों बार चार्ट तैयार होके अभी आपके सामने मौजूद है। देख सकते हैं डिफरेंस कितना तक आ रहा है, जैसे Redmi Note 6 का यूजर इंटरेस्ट है 75%, तो 75% यहाँ पे दिखाएगा और Redmi Note 5 का दिखा रहा है 25%। अगर Redmi Note 6 का आ रहा है 30%, तो Redmi Note 5 का दिखाएगा 70%। इस तरह से आप इंफोग्राफिक चार्ट बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिंबल को यूज करते हुए आप इंफोग्राफिक चार्ट बना सकते हैं अपने वर्क के अनुसार। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और मेरे लिए ढेर सारा कमेंट जरूर पास कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।